जोहार गांव नकोर के सिरावासी खाकड़ में पूर्वज और कुलमताई कांकड़ सबको जोहार नमन। और इस पंचायत के इस गांव के गड़ा कमेटी मुखिया उनको भी जोहार, और सभी साथी जो आदिवासी परिवार के विचारक जो यहां पधारे हैं बड़ी लंबी दूरी तय करके उनको भी जोहार। काफी कुछ बातें नरी बातें वही की है और माजे बात कहनी थी वे बात भी वही की है। आई वॉज थिंकिंग टू टॉक अबाउट द फिफ्थ शेड्यूल, मैं पांचवी अनुसूची के बारे में बात रखने के लिए सोच रहा था। आई हैड सच प्लान बट ऑलरेडी द थर्ड संजय हैड टोल्ड यू, तो फिर भी मैं मेरी बात करूंगा। पांचवी अनुसूची क्या है, व्हाट इज द फिफ्थ शेड्यूल एंड व्हाट इज द स्पेशल पावर एग्जिस्टेड इन दिस फिफ्थ शेड्यूल। पहला प्रश्न यह है कि पांचवी अनुसूची क्या है और इसमें क्या विशेषाधिकार है और ये कहां लागू होती है, राजस्थान के किन किन जिलों में पांचवी अनुसूची लागू होती है। तो राजस्थान के पांच जिलों में ये पांचवी अनुसूची लागू होती, फिफ्थ शेड्यूल लागू होता है और इसके अंदर एक आर्टिकल है। पहले बताऊंगा पांच जिले कौन से हैं। सबसे पहले सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, दीज आर फाइव डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट जिनको हम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और इन पांच जिलों में पांचवी अनुसूची लागू होती है। अब दूसरी बात आती है कि इसमें क्या विशेषाधिकार दे रखे हैं पांचवी अनुसूची में, जहां पांचवी अनुसूची लागू होती है वहां क्या विशेषाधिकार है। तो पहला विशेषाधिकार मैं ये बताऊंगा, राजनीतिक विशेषाधिकार, कि इस क्षेत्र में जितने भी जनप्रतिनिधि एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के मेंबर होंगे, जनजाति सलाहकार समिति के, जनजाति सलाहकार समिति के सदस्य होंगे और ये सारे विधायक हमारे उदयपुर संभाग के सारे विधायक, 17 विधायक ये सब मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे? एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। वो अध्यक्ष ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष होगा। अच्छा, तो वो अध्यक्ष उसका उसके पास क्या पावर होगा? आई वॉन्ट टू टेल यू इन इंग्लिश, द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी एज पावरफुल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। हिंदी में बताऊंगा कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, जनजाति सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष होगा वो इतना शक्तिशाली होगा जितना कि राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। अर्थात अनुसूचित क्षेत्र में इन पांच जिलों के अंदर जो भी कानून बनाने का अधिकार है ये ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी अध्यक्ष के सानिध्य में करेगी। यानी कि अध्यक्ष के बिना और इस जनजाति सलाहकार समिति के बिना इस ट्राइबल क्षेत्र के अंदर, इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर बाल का बाका भी नहीं हो सकता, यानी कि पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अब पत्ता भी नहीं हिल सकता है मतलब इस क्षेत्र का पूर्ण अधिकार, कानून बनाने का अधिकार हम आदिवासी लोगों के पास है। जिन लोगों को हम विधायक बना के भेजते हैं वो उनके पास होता है। तो सवाल होता है, सवाल क्या उठ रहा है? सवाल यह उठ रहा है कि सारा शक्ति हमारे लोगों के पास है तो फिर हमारे लोगों के घर क्यों तोड़े जा रहे हैं? हमारे लोगों को, हमारे लोग जो जंगल में बसे हुए हैं उनकी खेती को क्यों उजाड़ा जा रहा है? सवाल है ना। संविधान तो ताकत यह दे रहा है कि क्षेत्र में जनजाति सलाहकार समिति के बिना और अध्यक्ष के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर किसी कानून से आदिवासियों को दिक्कत हो रही है तो यह
ये सलाहकार समिति नया कानून बनाएगी ताकि हमारे आदिवासी को तकलीफ ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोगों को हमारी जमीन, हमारी पैतृक जमीन से बेदखल किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि हम जिन लोगों को वोट दे के भेज रहे हैं वो वास्तव में हमारे पैरवी नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट लेट इन द वॉइस ऑफ द ट्राइबल्स, दे डू नॉट हैव नॉलेज, दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल। उनको ना तो पांचवी अनुसूची का ज्ञान है और ना ही हम लोगों का वहां पर पैरवी कर रहे हैं। वो किसी न किसी गैर आदिवासी के, गैर संगठन के इशारों पर काम कर रहा है, इसलिए हमारे लोगों को ये मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये मिस्टेक हमें निकालनी पड़ेगी, जो एरर्स है ये एरर्स निकालोगे तभी जाके हम लोगों का कुछ भला हो सकता है। और बहुत सारे लोग, हालांकि वो बात मुझे यहां नहीं कहनी चाहिए, पर यहां कहूंगा कि लोग यूं कहते हैं कि तुम जो रिप्रेजेंटेटिव बनाओगे, जो विधायक बनाओगे, तुम मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तुम प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हो। अरे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष होता है, तो उनकी क्या कहां जरूरत है हमें। तो हम लोगों को, हमारे बुजुर्ग लोगों का, हमारी बाई आई जो पढ़ रहे हैं, उन युवाओं का और लड़कियों का, सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वही उद्देश्य यह होना चाहिए कि ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष आदिवासी होना चाहिए और सारे निर्णय वो ले। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए और वो स्वतंत्र होना चाहिए। आज जो हम भेज रहे हैं वो सिर्फ कचोरी समोसा खाने के लिए जयपुर जाते हैं, अधिकांश कचोरी समोसा खाने के लिए, और उनको तनखा से मतलब है। वो कभी भी आदिवासी हितों की बात कभी नहीं करते हैं, कभी भी आदिवासी अस्तित्व बचाने की बात नहीं करते हैं, कभी भी संविधान की बात नहीं करते हैं। क्या आप जिन लोगों को वोट दिया, जिन लोगों को विधानसभा में बैठा भेजा है, क्या उन लोगों ने आपके अधिकारों की बात करी क्या आज तक, करी क्या? मैं ये कहता हूं, जो नेता पांचवी अनुसूची को नहीं जानता है वो नेता ही नहीं है। जो नेता पांचवी अनुसूची की बात जनता से नहीं करता है, पांचवी अनुसूची की बात प्रशासन से नहीं करता है, वो नेता ही नहीं है, वो सिर्फ पुतला है, सिर्फ पुतला है। वो कितना ही काम करा दे, लेकिन अगर पांचवी अनुसूची की बात नहीं करता है तो वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पुतला है। पुतला ये है कि उसका कोई मतलब नहीं। तो हम सभी युवाओं को सोचना पड़ेगा, हम सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि बहुत ही तेज गति से निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। अब सरकारी नौकरियां कहां जा रही है, तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में पैसा देना चालू कर दिया है। जैसे कोई कई सारी योजनाएं चल रही है, चिरंजीवी योजना है, आरटीआई के तहत प्राइवेट स्कूल में एडमिशन है, तो इससे क्या हो रहा है, सरकार हमारा जो टैक्स इकट्ठा होता है वो पैसा प्राइवेट स्कूल में देता है और प्राइवेट स्कूल वाले किसको नौकरी पर रखते हैं, उनके मिलने वालों को। तो हमारी तो नौकरियां खत्म हो रही कि नहीं हो रही है। प्राइवेट अस्पतालों में अब फ्री इलाज होने लगा है, तो सरकारी जो अस्पताल है एक दिन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बंद होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, हमें समय के साथ दौड़ना पड़ेगा, तभी हम इस समुदाय को, आने वाली पीढ़ी को हम बचा पाएंगे। अन्यथा अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डेंजरस टाइम फॉर नेक्स्ट जनरेशन, इन फॉर फ्यूचर टाइम, बहुत खतरनाक टाइम आने वाला है, ये हमें समझ में। आई विल नॉट टॉक टू यू मोर, लेकिन अभी जो चल रहा है, एक लास्ट में जहां पर हर मंच पे बात उठाता हूं, कांति दादा आप भी उठाना, क्योंकि कांति दादा की जो बात है
वो बहुत पावरफुल है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी वहां आए थे मानगढ़, और आहान हुआ था, आदिवासी परिवार का आहान हुआ था कि आज जो कोई भी आदिवासियों को वनवासी कहेगा तो जगह जगह पुतले जलाने के लिए तैयार रहना। और उसका प्रभाव यह हुआ कि उनके 19 मिनट के भाषण में 27 बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, एक बार भी वनवासी शब्द नहीं आया, एक बार भी। तो इसलिए मैं आपसे, क्योंकि हम लोगों के हमारे साथ बहुत ही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार यह किया जा रहा है कि राजस्थान के 33 जिलों में से 30 जिलों के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। 30 जिलों के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज का मतलब यह होता है कि इलाज प्राप्त करने की सबसे सर्वोच्च संस्थान और ट्रेनिंग करने का सबसे बड़ा संस्थान होता है अस्पताल और कॉलेज, डॉक्टर जो ट्रेनिंग करते हैं। तो राजस्थान के कितने जिलों में खुल चुका है? 30 जिलों के अंदर खुल चुका है। और हमारे प्रतापगढ़ जिले के अंदर, दूसरे नागौर के अंदर भी सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की प्लानिंग पूरी चल रही है, और राजसमंद के अंदर भी, लेकिन प्रतापगढ़ के अंदर कमल कांग्रेस ने यह योजना बनाई कि हमारे को चुनाव प्रचार के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस मेडिकल कॉलेज को पीपी मोड पे देना है। ये इनकी सहमति बनी है, यानी कि ठेके में देने वाले हैं। अगर ये सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सरकारी खुलता है तो हम लोगों को क्या फायदा होगा, मैं ये बता देता हूँ। यानी कि एक साल में वहाँ 100 डॉक्टरों की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर ये सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में खुलता है तो कितने हमारे बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी? 100। और एक डॉक्टर की ट्रेनिंग का खर्चा टोटल 1 करोड़ होता है। कितना? 1 करोड़। अगर ये खुलता है तो कितने परिवारों को फायदा मिलेगा, हमारे कितने भाई और बहनों को फायदा मिलेगा, गरीब से गरीब लड़का और लड़की एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना देख पाएगी। दूसरा है, इसके साथ नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग की 100-100 सीटें आएगी, तो हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे भाई और बहनों को ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कितना फायदा है? लेकिन ये पार्टियां मिलकर हमारे आदिवासी बच्चों का भविष्य बेचने में तुली हुई है। इसलिए दादा आपसे निवेदन है कि आप भी अपने प्लेटफॉर्म पे, आपका फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आपकी ताकत बहुत ज्यादा है, तो वहां पर एक बार जरूर रखें कि प्रतापगढ़ एक ट्राइबल बेल्ट है, अति पिछड़ा जिला है। सबको पता है कि हम मतलब 33 शिक्षा के क्षेत्र में कितने नंबर पर है? 33वें नंबर पर, नीचे से टॉप। आप उल्टा मत समझना, नीचे से टॉप, मैंने ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ। तो ये स्थिति हमारे है, वी आर वेरी बैकवर्ड एंड वी नीड इट, सो दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट टू यू एंड थैंक यू। आप सबको धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और हमारे बीच में आदिवासी परिवार के महानुभव, विचारक, निस्वार्थ भावी वक्ता हमारे बीच मौजूद हैं, और जो भी समय है हम उनको देना चाहेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भी प्रदेश। एक नारा तो बोलना पड़ेगा, नारा तो बनता है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार। थैंक यू रमेश जी। जो रोड पे खड़े हैं युवा साथी, आगे आ जाएं।